देश में इस समय पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी खूब चर्चा में है। इसी बीच सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी आरोप लग रहा है। वहीं अब यूपी एटीएस की टीम ने पाकिस्तानी निवासी सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया और सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सोमवार को भी सीमा, सचिन और सचिन के पिता से 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। सीमा हैदर शुरू से ही एटीएस के रडार पर थी। वह नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई। अब एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ करेगी। इसके साथ ही सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेजा गया है और पता चला है कि सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं और सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है। अब तक हुई जांच के दौरान उसके आईएसआई से संबंध होने की थ्योरी और गहरी होती जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीमा न सिर्फ अंग्रेजी पढ़ सकती हैं, बल्कि जिस अंदाज में उसने अंग्रेजी की लाइन को पढ़कर सुनाया, इससे हर कोई हैरान था। उसने अंग्रेजी की लाइन पढ़ने के दौरान एक भी गलती नहीं की। खास बात यह है कि वो खुद को अनपढ़ बताती हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि सीमा हैदर पबजी गेम खेलने के दौरान जिन लोगों के संपर्क में आई थी, उनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के ही थे। अब जांच एजेंसी सीमा हैदर के पहचान पत्र पर भी सवाल उठा रही है। आम तौर पर कोई भी व्यक्ति अपना पहचान पत्र जन्म के वक्त बनवाता है, लेकिन सीमा के पास से मिला पहचान पत्र 22 सितंबर 2022 को बनवाया गया था। एटीएस के अधिकारी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों सीमा ने इतनी देरी से अपना पाकिस्तान का पहचान पत्र बनवाया। उसके पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों की जाँच जारी है। आपको बता दूं, सीमा और सचिन मीणा 2019 में पबजी खेलने के दौरान एक दूसरे से कनेक्ट हुए और फिर इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। इसके बाद फिर 13 मई 2023 को सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बस में सवार होकर भारत आ गईं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहते हैं, जहां सचिन किराने की दुकान चलाते हैं। वहीं पुलिस ने सीमा को बिना वीजा के नेपाल के जरिए अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में घुसने को लेकर 4 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही सचिन को अवैध शरणार्थी को पनाह देने के आरोप में जेल भेजा था। हालांकि इन दोनों को बाद में छोड़ दिया था और फिर से यूपी एटीएस ने सीमा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। प्रेम कहानी से लेकर भारत में आने तक के सभी पहलुओं पर पूछताछ हो रही है। यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसके आने से बहुत सारे पेंच हैं। ऐसे में उससे पूछताछ लाजमी है, इसलिए देश की सुरक्षा में लगी ऐसी सभी एजेंसी उससे पूछताछ करेंगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए इंडी टाइम्स।